बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है आज। बस यूं ही। अब लीजिए, ये आप कर लीजिए। अम्मी मैं जा रही हूँ। मनीषा जी, कहाँ जा रही हो? जी वो कॉलेज। इतने जल्दी? जी। झूठ बोल रही है। क्या हाँ, कॉलेज का टाइम हुआ है? भाई जान, किताबें कहाँ है तुम्हारी? वो एक्स्ट्रा क्लास है, बुक्स की जरूरत नहीं है। अहमद जाने दो उसे। जिस दिन तुझे पकड़ लिया ना, उस दिन काट डालूंगा, समझी? हेलो। हाँ बस आ रहे हैं। हाँ 10 मिनट में पहुंचते हैं। सी यू। तुम्हें किसी ने आते हुए देखा तो नहीं ना? अच्छा मुनि साहब, मेरी मुंबई में जॉब लग गई है। सच? हाँ, इससे पहले किसी को पता चले हमें यहाँ से चल देना चाहिए। पर इतनी जल्दी ये सब कैसे होगा? देखो मेरे को मुंबई में ऐसा फ्लैट मिला है, पूरा कॉम्प्लेक्स है। कितना अच्छा होगा ना अगर हम साथ में रह सके तो। हाँ, इससे पहले मेरे घर वालों को पता चले हमें यहाँ से चल देना है। जी भाई, देखो दोनों को। हट, यहां नहीं है भाईजान। मेरी बहन को छेड़ता है, मारो देखो। हट, बहन को छेड़ता है, बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहे। खानदान का नाम बदनाम कर दीजिए। तेरी आंखें निकाल लूंगा। चलो तुम और मुनीसा ने तो एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दिया था ना? हाँ, हम महीनों से नहीं मिले। और तुम तो मुंबई चले गए, फिर वापस कब आए? मैं कल दोपहर को ही आया था। और आने के बाद तुमने अपने घर वालों को कांटेक्ट नहीं किया, क्यों? मैं नहीं चाहता था उनको बताना कि मैं मुनीसा से मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मना किया था। और मुनीसा से तुम्हारा दोबारा कांटेक्ट कैसे हुआ? बहुत कोशिशों के बाद मेरी उससे दोबारा बात हुई। मुनीसा, तेरे कपड़ों की सारी तैयारियाँ हो गई? डिजाइन दे दिया पर अभी नाप देने जाना है। हेलो मुनीसा, मैं भोपाल आ गया हूँ। पर हो कहाँ तुम अभी? घर पर? मैंने घर वालों को अभी बताया नहीं है। मेरे से मिलने आ सकती हो अभी? एमबी नगर साइड। अभी तो घर पर सब है, निकलना मुश्किल है, पर मैं आती हूँ। ठीक है, ओके बाय। कैसे हो?
मैं एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? क्या बात है, अच्छा रूम है, हर कितना कमा रहे हो? नाश्ता ऑर्डर करूं? 206 में दो चाय और दो सैंडविच भिजवा दी। घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। मुनीसा, किसी और से शादी मत करना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे भी नहीं पता कि मैं किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे रहूंगी। हम किसी और शहर में भी तो जाके रह सकते। मेरे भाई हमें कहीं भी ढूंढ लेंगे। वो मुंबई आए थे ना तुम्हारे यहाँ, पूरे ऑफिस के सामने तुम्हारी बेइज्जती की थी, हम भाग भी गए ना, तो हमारा जीना आराम कर देंगे। उन्हें तुम्हारा मेरा साथ रहना बर्दाश्त ही नहीं होगा। और फिर हम बाहर टहलने चले गए। रेलवे ट्रैक से आ रहे थे तभी तो उनमें से एक आदमी ने एक ब्रेसलेट पहना था जिसमें नीला पत्थर जड़ा हुआ था। हाँ, जिसने चाकू मारा था उसके हाथ में। अच्छा एक बात बताओ, कोई है जो तुम्हारी इस गवाही को सपोर्ट कर सके? कोई भी जिसने तुम्हें देखा हो या वहां से गुजर रहा हो या किसी ने तुम्हारी आवाज सुनी? नहीं, पर पुलिस को फोन करने से पहले मैंने अपने भाई को फोन किया, उसे भी वही सब बताया जो आपको। मुनीसा, एक बार फिर से सोच लो, हमें करना चाहिए कि नहीं? बता भी हमें किस हालत में हो? मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे, आज भी मैं कोई बहाना बनाकर निकली हूँ तो तुम्हें पता भी चल गया होगा मैं कहाँ हूँ। आज अगर वापस गई ना तो चैन की सांस नहीं ले पाऊंगी। तुम बस इतना बताओ, तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, नहीं तो मैं ये अकेले कर लूंगी। मुनीसा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, पहले तुम मुझे मारो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ ये सब कर सकता हूँ, वो भी अपने हाथों से? तो फिर हम यहाँ क्यों आया, क्यों फिर वो सब वादे किए थे? तुम्हें ऐसा करना नहीं था तो पहले बोले नहीं था, वो अब करो। पर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं ही कर देती हूँ। अब तुम्हें करना ही पड़ेगा, अपने आप को मारना ही पड़ेगा। मुनीसा, 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 नहीं, मुनीसा, करो। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुनीसा, मुनीसा, क्या हुआ, क्यों रुक गए? मुनीसा उठो, अरे उठो मुनीसा, मुनीसा, मुनीसा उठो, मुनीसा। मैं डर गया था सर, मैं डर गया था, वो बहुत बहादुर निकली, मैं जाकर भी कुछ नहीं कर पाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं जाकर भी अपनी जान नहीं ले सकता था, मैं बहुत देर तक वहां बैठ के बस रोता रहा, उसकी जान निकलती रही और वो थोड़ी देर बाद चुप हो गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तभी मैंने अपने भाई से बात की। मुझे ये बता, ये सब हुआ कैसे? उसने अपने हाथ से पकड़ कर अपने आप को मार लिया, मैंने कुछ नहीं किया भैया। बलवीर, तू भी हद करता है, तुम लोग अभी कहाँ पर हो? भैया, हम लोग ट्रैक के पास है। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, नहीं। अरे तू निकल वहां से, किसी ने देख लिया तो बुरा फंसेगा, पूरी जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ेगा तू। पर होटल में हम लोग साथ में थे, उन लोगों ने हमें साथ देखा होगा। बलवीर तू तो गया, चाकू, चाकू पर तेरे हाथ के निशान भी है, तू बहुत बुरा फंसेगा। मैंने नहीं किया भैया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे बलवीर, ये सब चीजें मैं मानता हूँ कि तूने कुछ नहीं किया, अरे वेपन वहाँ पर है, बॉडी वहाँ पर है और तेरे हाथ के निशान भी। अब बस एक ही तरीका है। क्या? तू
तू एक काम कर, तू खुद पुलिस वालों को फोन कर और उनसे बोल के तुम दोनों पर किसी ने हमला किया है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। बहुत देर तक अपने भाई से बात करता रहा और सोचता रहा कि मैं क्या करूं, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुमने उसकी आंखें कैसे निकाल ली? गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, तेरी आंखें निकाल लूंगा। प्यार करते थे उसकी आंखें निकालने में जरा भी दर्द नहीं हुआ तुम्हें? उस समय से मैं अपने बारे में सोच रहा था सर, और उन भाइयों को फंसाने की सोच रहा था ताकि वो मुझ तक ना पहुंच सके। डर ने ये सब कराया मुझसे सर। तुमने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, और अब तुम बहुत लंबे टाइम के लिए जेल जाने वाले हो। फ्लोर है जी? जी मैं अभी आती हूं। हेलो, मैं थर्ड फ्लोर पर आ गई हूं। Thank you.
नहीं साहब, इनमें से तो कोई नहीं है। ये उन तमाम पुलिस इंस्पेक्टर्स की तस्वीरें हैं जिनके नाम गावड़े हैं। आपने पुलिस इंस्पेक्टर पर बलात्कार का इल्जाम लगाया है। शुक्र है कि अभी तक ये न्यूज मीडिया तक नहीं पहुंची, वरना डिपार्टमेंट की इमेज की धज्जियां उड़ने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन साहब, इनमें से कोई नहीं है। अतरे सर, अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ। सर। मैडम आप भूलिया बताइए, हमारा आर्टिस्ट उस इंस्पेक्टर गावड़े की स्केच बना देगा। जी सर। नहीं, ये नेहा का जो आखिरी कॉल आया था उसका कुछ पता चला? सर कोई लड़की है, हमारी कांस्टेबल उसे लेके आती होगी। सर ये क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो एक छोटे से पार्लर में काम करती हूँ। मोबाइल दो अपना। जी। मोबाइल? मोबाइल नहीं यूज करती क्या? जी सर करती हूँ, लेकिन अभी नहीं है। अभी नहीं मतलब क्या? सर गुम हो गया, वो सर चोरी हो गई। गुम हुआ या चोरी हुआ? सर चोरी हुआ है, मार्केट से। पुलिस कंप्लेंट की? नहीं सर, वैसे भी मैंने सेकेंड हैंड लिया था 2000 में, सोचा 2000 के फोन के लिए कहा पुलिस के चक्कर में पड़ू। एनी क्लू नाइक? नहीं सर, मोबाइल चोरी हुआ है, कुछ पता नहीं, वही कहानी। नो प्रॉब्लम, ये जो भी कोई है इसका क्राइम करने का तरीका एक जैसा है और ये हमारे लिए अच्छी बात है। स्केच? जी सर। क्या ये आदमी है वो? जी साहब। अतरे सर, इसकी कॉपीज निकालकर हर पुलिस स्टेशन भेज देना। सर हमारे स्केच आर्टिस्ट का बनाया हुआ स्केच महाराष्ट्र पुलिस डेटाबेस में हमने चेक किया, इस नाम का, इस चेहरे का कोई भी ऑफिसर सर्विस में नहीं है। मतलब ये पुलिस वाला नहीं है, बस वर्दी पहनकर मासूम औरतों को फंसा रहा है। सर एक बात और, उसे कैसे पता चलता है कि किस औरत का पति ट्रेवल करने वाला है? और वो फोन भी तभी करता है जब औरत का पति फ्लाइट में होता है और फोन बंद होता है और औरत अपने पति से बात भी नहीं कर सकती। नहीं, ये जो भी है उसे हमें जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, आखिर डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल।
बिट्टू स्कूल जा रहा है? हाँ। ये पैसे रख, जो खाना स्कूल में वो खा। आप भी ना, आपके लाड में ये बिगड़ते ही जा रहा है। ना बेटा, कल लाड मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। चल तू जा रहे। देखो मोबाइल की हालत देखो क्या हो गई है, बीच बीच में एकदम से बंद पड़ जाता है। मुझे नया मोबाइल ला के दो ना। हाँ अगली पॉलिसी बिकने दे, ला के देता हूँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी, कहिए। मैं ट्रेवल इंश्योरेंस एजेंट हूँ, आपको ट्रेवल इंश्योरेंस कराना है? अरे मैं भी ट्रेवल इंश्योरेंस एजेंट ही हूँ। अभी पॉलिसी निकालना है तो मैं खुद जाके नहीं निकालूंगा अपने फैमिली का? अरे आप कहाँ जा रहे हैं इंश्योरेंस निकलवा के? कहीं नहीं रहा हूँ, सिर्फ इसे बता रहा हूँ। देखिए भाई साहब, आपको किसी ने गलत बता दिया है, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और तुम्हें बोला किसने कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ किसने भेजा तुम्हें? इंस्पेक्टर गावड़े साहब। गावड़े साहब को तो जानते हो गए आप। चल दिखा। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो इनको? पहचानो से। माइक क्या दे? पहचानो इसे। ये सब क्यों किया तुमने? बोलता क्यों नहीं? मेरी बीवी को हजार बार बोला के थोड़ा अच्छे से रहने का, सुंदर दिखने का, लेकिन नहीं सुनती कि नहीं थी। जब मैं किसी की खूबसूरत बीवी को देखता कुछ होता था मुझे, इधर उसे पाना चाहता था मैं। गलत किया है? कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। सर लगता है बच्चों को पानी में डुबोकर इसने खुदकुशी कर दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? साहब सबसे पहले मैंने देखा था, जब मैं अंदर आई तो देखा है, फिर मैंने पास वाले मेहता जी को जाके सब कुछ बताई। साहब जी मैं हसमुख मेहता और ये मेरा बेटा प्रवीण, ये यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन्स देता है। जब सवेरे कमला ने मुझे बताया तो मैंने सबसे पहले इनके पति राजीव भाई को फोन किया और फिर बाद में आपको। इनके पति कहाँ हैं? वो अभी सूरत गए हैं बिजनेस के सिलसिले में, मैंने फोन किया तो वहाँ से निकल गए, बस यहाँ पहुँचते ही होंगे। परमार एक काम करो, आस पड़ोस के लोगों से पूछ के देखो, शायद किसी को कुछ मालूम है। सर तुम मेरे साथ। सूरत के लिए निकलते वक्त एक छोटा सा झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी कि
इतना बड़ा कदम उठा बैठे, पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने। अरे छोकरे वाले पर साथी ले गई। सर बहुत अच्छी औरत थी, मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता था उनकी। क्या आप भी राजीव के साथ सूरत गए? इसके बारे में आपको पता कब चला? दूसरे दिन सुबह मेहता साहब का फोन आया था, सुनकर यकीन नहीं हुआ मुझे तो। मेरी जलपा बहुत अच्छी थी, संस्कारी थी, पढ़ी लिखी थी। राजीव ने उसे संभाला होता तो। राजीव हमेशा काम में बिजी रहते थे, जलपा के लिए उनके पास जरा भी टाइम नहीं था। मेरी बेटी जलपा बहुत अकेली थी साहब। और कोई खास बात, जैसे उन दोनों के बीच कोई बड़ा झगड़ा या बाहर कुछ हुआ? हाँ, यहाँ पे एक योगा सेंटर है, जलपा भी वहाँ पे आती थी। अरे थोड़ा दिवस पहला। सर सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, प्लीज। तूने कुछ नहीं किया तो बाकी लोग तेरे और जलपा के झगड़े के बारे में झूठ बोल रहे हैं? हाँ सर, उस दिन के बाद मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ उससे। उसी शाम उसके पति ने मेरी कंप्लेंट कर दी थी और मैं वहां से निकाल दिया गया था सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। ठीक है, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम शहर छोड़ के बाहर नहीं जाओगे। ठीक है सर। सर अरे बताइए तो मुझे क्यों लेके जा रहे हैं आप लोग? सब बताऊंगा जल्दी। ऐसा आखिर हुआ क्या है सर? सब बताऊंगा। सब क्या हुआ? चलो सर ये आखिर बताइए तो सही, हमने किया क्या है? मेरी बीवी बच्चों का कत्ल हुआ। ड्रामा नहीं मत कर मेरे सामने, ड्रामा बंद कर और चुपचाप कबूल कर कि तूने अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को मार दिया। क्या कह रहे हैं सर आप? किस किस बिना पे कह रहे हैं सर? किस बिना पर? मैं दिखाता हूं किस बिना पर। किस बिना पर? अपने आप को बहुत शातिर समझता है तू? हाँ तुझे क्या लगा था कि तू चुपचाप निकल जाएगा और तुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा? पहले बहुत ही शातिर तरीके से अपनी पत्नी को मारा, उसके बाद एटीएम गए, वहां शाम से पैसे निकाले और लौट गए। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, चुपचाप अपना जुर्म कबूल करता है या तेरी और खातिरदारी करूं? मैं मानता हूं सर कि मैं उस रात सूरत से बरौटा वापस आया था, लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो जलपा की लाश पंखे से लटक रही थी। भला अपनी पत्नी को और बच्चे को मैं क्यों मारूंगा सर? मैं बताता हूं तू अपनी पत्नी और बच्चों को क्यों मारेगा, क्योंकि तू ये बात जान चुका था कि तेरी पत्नी के जीवन में जो नया दोस्त आया वो कोई रति नाम की औरत नहीं थी बल्कि एक मर्द था। ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए तुमने बेदर्दी से अपनी पत्नी और दोनों मासूम बच्चों को मार दिया। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैं अपने परिवार को अपने हाथों से क्यों मारूंगा सर, आप मेरा यकीन कीजिए सर। लेकिन हाँ सर, मुझे एक बात का पता चल गया था सर, जलपा का अफेयर था समीर के साथ। क्या समीर? हाँ सर समीर, कॉलेज की दोनों से लवर था उसका, ट्रांसफर होकर अहमदाबाद से बड़ौदा आया था, जलपा ने मिलाया भी था उससे मुझे, घर भी आता जाता था। एक दिन जब मैं टूर से लौटा तो मैंने देखा। पापा। अरे बेटा पढ़ाई कर रही हो? आजा। अरे संजू यहाँ सो रहा है सोफे पे, क्यों मम्मी क्या है? मम्मी ऊपर है समीर अंकल के साथ। हाँ समीर अंकल के साथ ऊपर है। एक मिनट बेटा तुम पढ़ाई करो, पापा भी है। उस वक्त बच्चों की वजह से चुप रह गया मैं, लेकिन बाद में जब उससे बात करने की कोशिश की तब भी उसने अपनी गलती मानने के बजाय मुझे ही दोषी ठहराया। जब भी टूर के लिए मैं बाहर जाता तो वो बच्चों को अपनी मम्मी के घर छोड़कर समीर से मिलने चली जाती, अगर वो घर होती तो समीर आ जाता उससे मिलने। ये सब बातें मुझे बच्चों से पता चलता,
कई बार अचानक टूर से वापस लौटा मैं ताकि रंगे हाथों उन दोनों को पकड़ सकूं, लेकिन होशियार हो गए थे तुम। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जब तुम्हारी पत्नी जलपा ने समीर के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ा तो तुमने उसे मारने का फैसला कर लिया, और इस घिनौने काम में तुम्हारा साथ दिया तुम्हारे इस अकाउंटेंट नट्टू ने। नहीं साहब नहीं, मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। उस दिन सूरत में पता चला था पहली बार। राजीव भाई मार्केट से थोड़ा जल्दी लौट गए थे होटल को, और मैं सारा काम पटा के रात में होटल पहुंचा तो देखा कि अरे राजीव भाई आपने तो बहुत पी रखी है, बोलो मने क्या हुआ? जलपा नट्टू का जलपा धोखा दे रही मुझे, चक्कर चल रहा है उसके एक आदमी के साथ, अभी भी उसके साथ, इसलिए मेरा फोन नहीं उठा रही है। शू पूछो राजीव भाई? मैं अभी बड़ोड़ा जाकर दोनों को खत्म करके आता हूँ। राजीव भाई अभी आप नशे में हैं, वहाँ बात बिगड़ जाएगी। राजीव भाई रात बहुत हो चुकी है, धोखा दे रही हूँ। हाँ कल सुबह जाएंगे, आप सो जाइए, आप सो जाइए राजीव भाई, सो जाइए आप, सो जाइए। हाँ और इसीलिए कत्ल के वक्त तुम्हारे फोन की लोकेशन बड़ोड़ा की बजाय सूरत दिखा रही थी, राइट? सर नशे की वजह से होश नहीं था मुझे, भूत चढ़ गया था मेरे दिमाग में कि जलपा और समीर एक साथ होंगे और मुझे बड़ोड़ा जाकर उन दोनों को मार डालना है। ऐसे उस दिन से अंशी को मुझ पर शक होने लगा था। फिर एक दिन अच्छा जब पापा घर पे नहीं थे, है ना, मैंने उसे ये कहकर बहला लिया कि जलपा जी ने मुझे सिंपथी के लिए फंसाया था, वो मुझसे सच्चा प्यार करती थी, उसने मुझे अल्टीमेटम दिया कि मैं ना जलपा जी से सारे रिश्ते तोड़ दूं, और सर उसने जलपा जी को हम दोनों के बारे में भी बता दिया। सर तुम्हें मुझे आंशी के बारे में बताना चाहिए था ना, क्या क्या नहीं कहा उसने मुझे। तुम प्यार करते हो उसे जलपा जी? मत बताओ मुझे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम अपनी जिंदगी में जो करना चाहते हो करो, जिसके साथ रिश्ता रखना चाहते हो रखो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी के बीच नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर तुम आंशी से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हारा और मेरा रिश्ता वैसे ही चलेगा जैसे आज तक चलता आया है। मैंने बात करनी बंद कर दी, फोन उठाना बंद कर दिया, बच्चों को पढ़ाना भी बंद कर दिया था सर। मुझे लगा कि वो समझ आएगी कि मैंने उसे धोखा दिया, लेकिन एक रात उनका फोन आया और मैंने रिसीव कर लिया। सर उसे एक बार मिलने के लिए आ जाओ प्लीज, सिर्फ एक बार। इग्नोर कर रहे हो मुझे, मुझसे दूर जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? वो सांशी के लिए, मुझसे ज्यादा सुंदर है वो, तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार करती है, क्या है उसमें ऐसा? बात आंशी की नहीं है, आंशी मुझसे जितना प्यार करती है उससे ज्यादा प्यार उसे मैं करता हूँ, और थक चुका हूँ मैं आपसे, आपके इस रिश्ते से। अभी तो सिर्फ आंशी को पता चला है, अगर बाकी लोगों को पता चला तो? तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में छोड़ के नहीं जा सकते, वरना। वरना क्या? वरना मैं सबको बता दूंगी, तुम्हारे पापा को। नहीं छोड़ूंगा आज तुझे, मैं मार दूंगा। बाहर में गई तू और तेरा प्यार, बहुत प्यार का भूत चढ़ा ना तेरे सर पर। मैं तुझसे कभी प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ तेरे साथ टाइम पास कर रहा था, तेरे साथ सिर्फ सोना चाहता था मैं। सर
मैं नहीं मारना चाहता था उनको, नहीं मारना चाहता था सर उनको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।